किया क्यों बेशक मेरे राजा वो गुना नहीं करते, मगर उन्होंने वो जज्बात नहीं है जो गुनाह कराते हैं, के गुनाह उनमें जबान मौजूद नहीं है, लिहाजा उनको गुनाहों से परहेज के इरादे में किसी ताकत का मुकाबला नहीं करना पड़ता, किसी तकाजे से टकराना नहीं पड़ता। तो उनकी बेगुनाही में जिहाद नफ्स शामिल नहीं है, यानी वो नफ्सी नहीं है जिसके तकाजों से मुकाबला करके जिहाद बिन नफ्स हो। लिहाजा वो मासूम है। तो आप बेशक उनकी इज्जत काबिल तारीफ सन्यास समझ लीजिए, आज कब कुरान ने भी तारीफ की है, अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम इज्जत के कामिल उनकी इज्जत की तारीफ की है। मैं कहने की बजाय कटिया समय में वो खुतबा खुतबे का वो जो जिसमें फरिश्तों की तारीफ ने फरमाई है, तो बेशक काबिल तारीफ मतलब का भी गुनाह नहीं करते, मगर उस एतबार से के इस एतबार से नहीं कि इरादा नहीं है, वो पहले ही मैंने भी कर चुका, मगर फिर भी ये कि रुकावट कोई नहीं है, कोई ताकत नहीं है जिससे मुकाबला करके ये कोई मुश्किल बात तो उनके लिए। तो इस बिना पर मैं कहता हूँ वही अच्छी मखलूक किसी को सताती है, उनकी तारीफ न करना जरूर ना, बड़ी अच्छी मखलूक किसी को आदर नहीं पहुंचाती, बड़ी अच्छी मखलूक किसी की लिबत नहीं करती, बड़ी अच्छी मखलूक फसाद नहीं पैदा करती, बड़ी अच्छी मखलूक किसी दूसरे पर की दागानी नहीं करती, जुल्म नहीं करती। तो जितनी तारीफ कीजिए उनकी, जितना तारीफ कीजिए बड़ी अच्छी मखलूक बड़ी अच्छी मखलूक, मगर ये उनके बहुत अच्छा होना ये हमारी सब तारीफ है, ये वैसी है जैसे सूरज के चमकने की तारीफ, फूलों के लहकने की तारीफ, सबसे के लहकने की तारीफ।